अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ कलेजी का सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे लीवर करी। तो यहाँ पर मैंने लिया है दोस्तों एक कलेजी, जिसको कि मैंने काट कर पीसेस में धो कर रख दिया है और इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया है। देख सकते हैं इतने बड़े टुकड़े मैंने काटे हैं इसके, आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े कट कर सकते हैं। और ये सालन बहुत ही अच्छा बनता है दोस्तों, काफ़ी टेस्टी बनता है और खाने में भी बहुत यमी लगता है। तो इसमें डालेंगे हम नमक एक छोटा चम्मच और डालेंगे इसमें हम डेढ़ चम्मच हल्दी। दोस्तों इसमें थोड़ा हल्दी ज़्यादा ही पड़ती है क्योंकि कलेजी में थोड़ा सा ब्लैक कलर जैसा दिखना ही लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा हल्दी ज़्यादा डालेंगे हम। तो डेढ़ छोटा चम्मच डाल रही हूँ मैं। और डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो 2 चम्मच। और दोस्तों अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें क्योंकि कलेजी में थोड़ी सी अजीब सी स्मेल रहती है, तो सभी को पता है। और साथ ही इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाले, जिसमें लिया है मैंने 5 से 6 लौंग, 6 से 7 काली मिर्ची, 2 से 3 स्टिक दालचीनी के, 2 से 3 इलायची और तेज़पत्ते 2 से 3 लेंगे। ये सारे साबुत मसाले ही इसमें डालेंगे हम। आप चाहे तो पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन इस टाइम डालने से मसालों का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है कलेजी में। और इसमें डालेंगे दोस्तों हम प्याज, ये तकरीबन मैंने 1/2 किलो जितनी प्याज ली है दोस्तों, क्योंकि हम इसका सालन बनाएंगे और इसमें कोई टमाटर या फिर दही वगैरह यूज़ यही नहीं कर रहे हैं हम, तो इसमें हमें प्याज का ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने प्याज काट कर डाल दी है, पतला लंबा कटा हुआ प्याज डालेंगे। और इसको डालकर सभी के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने मसालों को सबको। और इसको हम प्रेशर कुकर का लिड लगा कर हाई फ्लेम पर 1 सीटी और लो फ्लेम पर 5 से 6 सीटी होने तक कुक करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैंने 5 से 6 सीटी के बाद इस तरह से चेक कर लिया है, तो मैंने इसको चेक कर लिया है। और इसमें मैं लगाऊंगी और 2 सीटी हाई फ्लेम पर, क्योंकि मुझे थोड़ी सी बाइट लग रही है इसमें, थोड़ा सा अभी गलना चाहिए कलेजी को। तो इसमें मैं अभी थोड़ा सा मैं इसको 2-3 सीटी लगाऊँगी। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने अच्छे से सीटी पर इसको कुक कर लिया है। देख सकते हैं पानी भी थोड़ा सा ही बचा है इसमें, प्याज का सारा मसाला बन गया है इसमें। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 5 से 6 चम्मच तेल। तेल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें। और तेल डालकर गैस पर रख देंगे इसको हम अच्छे से पकने के लिए, और अच्छे से पका लेंगे हाई फ्लेम पर ताकि तेल की कच्ची स्मेल चली जाए। और अच्छे से भूनते हुए इसको कुक करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों ये पक रहा है हाई फ्लेम पर तेल डालने के बाद। ध्यान रखें साथ में इसको बीच बीच में चलाते भी रहें। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा हरा धनिया, 1 बंच है ये, इसको मैंने बारीक काट लिया है। और लिया है मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें, जिसको मैंने स्लिट कर लिया है। तो इसमें साथ ही इसमें डाल देंगे, जब तेल डालकर पका रहे होंगे इसी में डाल देंगे हरी मिर्चों को, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 2.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर के, तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच डाल दिया है। आप लाल मिर्च पाउडर अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें कम या ज़्यादा। और लाल मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और हरी मिर्चों को भी डाल दें इसी टाइम पर, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको हम। दोस्तों ये आप जब कलेजी का सालन सर्व करेंगे ना, तो बहुत तारीफ़ करेंगे सब लोग आपकी। और जब ये बन रहा होगा ना दोस्तों, तो सारे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है। तो इस तरह से देख सकते हैं सारा तेल ऊपर आ गया है, तो तेल ऊपर आने तक इसको हम पकाएंगे। और यहाँ पर आधा हरा धनिया हम अब डालेंगे और आधा बाद में डालेंगे, थोड़ा सा बचा लें। तो हरा धनिया इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये दोस्तों आप रोटी के साथ या पराठे के साथ या फिर सिंपल प्लेन राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। दोस्तों आप चाहे तो इसी स्टेज पर इसको बंद कर सकते हैं, ये सालन भी रेडी है। लेकिन आप अगर करी बनाना चाहते हैं, इसका सालन बनाना चाहते हैं, तो इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी डाल रही हूँ। मुझे ज़्यादा एकदम थिन नहीं चाहिए, एकदम पतला सा सालन नहीं चाहिए, थोड़ा सा गाढ़ा ही रखेंगे। तो इसमें मैं 1.5 से 2 कप पानी डाल रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा पतला करेंगे तो फिर इसका फ्लेवर कुछ नहीं बचेगा। तो ध्यान रखें कि सेमी थिक होना चाहिए, ज़्यादा थिक भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए सालन। और फिर इसको हम उबालेंगे भी, देख सकते हैं चम्मच से गिराते वक्त ही कंसिस्टेंसी का पता चल जाता है। तो पानी बस थोड़ा थोड़ा करके डालना है आपको, एकदम से डालेंगे तो पानी आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे कभी भी। तो अब इसको हम हाई फ्लेम पर लिड लगाकर गैस को हाई फ्लेम पर ही छोड़ देंगे, थोड़ा सा लिड लगा दें इसकी। देख सकते हैं दोस्तों सालन अच्छे से उबल रहा है हमारा और अच्छे से बॉईल हो रहा है। देख सकते हैं थोड़ा सा गाढ़ा है, देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें लिक्विड दिख रहा है, लेकिन इसको हम अभी गैस से उतार लेंगे ना, तो ये बाद में ठंडा होने के बाद थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो इसी टाइम पर हम इसको गैस से उतार लेंगे, देख सकते हैं
तेल ऊपर आ गया है, तो सालन हमारा रेडी है और काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा था दोस्तों जब ये पक रहा था। और अभी बचा हुआ हरा धनिया भी इसमें हम डाल देते हैं और डालकर मिक्स करेंगे और लेड लगा कर हम गैस को बंद कर देंगे। और दोस्तों ध्यान रखें, जब आप लेड लगाकर गैस को बंद कर रहे हो तो एकदम से ना खोलें, थोड़ी सी देर 5-10 मिनट दम पर रखें, इससे सालनों में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने इसको बाद में चेक कर लिया है, लेड हटाकर काफ़ी अच्छा बना है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज की ये रेसिपी हमारे कलेजी के सालन की पसंद आई होगी। कलेजी का जो सूखा होता है ग्रेवी के बिना, वो वाला भी मैं आपको रेसिपी सिखाऊंगी, लेकिन उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।